अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी कस्टमर को ओरिफ्लेम से ऑर्डर करवाते हैं, ठीक है, आपसे कोई कस्टमर ऑर्डर करवाते हैं और आप साथ उसको बिल चार्जेस यानी बिल की स्लिप नहीं भेजना चाहते कि कस्टमर को इसकी एग्जैक्ट प्राइस ना पता चले, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि कंपनी हमें देती है हर चीज़ पर 20% डिस्काउंट, यानी वो 20% हमारा इमीडिएट प्रॉफिट होता है। जैसे देखें, मेरी एक कस्टमर ने ये अर्बन गार्ड 3D क्लींजर ऑर्डर करवाया है, मैं इसको ओपन करूँगी, ठीक है, और इसकी प्राइस आपको शो हो रही होगी यहाँ पे 2349, ये है इसकी कस्टमर प्राइस, कैटलॉग प्राइस या फिर इसको गूगल प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी हमसे सिर्फ 80% पैसे लेती है बींग ए कंसल्टेंट एंड ब्रांड पार्टनर, तो ये कस्टमर से तो हमने फुल चार्ज करने होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा राइट है ना, हम इसमें काम करें। तो जैसे मैं इसका कोड उठाऊँगी यहाँ से 44253, ठीक है, इसको हम ले जाते हैं और ऐप में लगाते हैं 44253। यहाँ पे मैंने लिखा है इसका कोड 44253, यहाँ से मैंने इसको कर लेना ऐड, ठीक है। यहाँ से आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, आपको पता है वहाँ पे इसकी प्राइस 2300 समथिंग शो हो रही थी, और जैसे ही मैंने कोड लगाया, ये देखिए कितनी शो हो रही है 1879, यानी कि ये है हमारी कंसल्टेंट प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस। अब आपको पता है कस्टमर से तो हमने ये गूगल वाली प्राइस ली होगी ऑब्वियसली, ये वाली, तो जब उसको स्लिप जाएगी साथ, तो वो बोलेगा कि इस पर तो 1879 लिखी, आपने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए। अब हम उसको थोड़ी ना समझा सकते हैं कि भाई कंपनी हमें प्रॉफिट देती है, हमसे 80% पैसे लेती है इसके, तो इसका बेहतर हल ये है कि आप उसको साथ बिल की स्लिप ना भेजें, ठीक है, तो ताकि आपका कस्टमर भी डिसअपॉइंट ना हो और आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, हमने यहाँ से सिर्फ करना है कंटिन्यू। INR सर्विस हमने यूज़ करनी है, ठीक है, INR मीन्स के इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने जाना है डिलीवरी टू अ फ्रेंड के ऑप्शन पे, ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर नाम लिखते हैं तो मैं नाम लिख दूँगी, ठीक है, जो कस्टमर का नेम है, ये देखिए मैंने ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं उसका एड्रेस लिखूँगी। अच्छा, एड्रेस लिखने से पहले आपने यहाँ पे जो काम करना है वो करना है, ब्रैकेट में लिख देना है INR, इट मींस के इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड। एक और चीज़ बता रही हूँ, कैश ऑन डिलीवरी पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ पेड ऑर्डर्स जिनकी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एडवांस में उन पर अवेलेबल होता है। INR लिख के बाकी कंप्लीट एड्रेस सेम लिख देना है जैसे हम बाकी ऑर्डर्स का लिखते हैं। ये देखिए मैंने सारा एड्रेस लिख दिया, स्टार्ट में INR लिख दिया, यानी कि इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड, मैं इस कस्टमर को इनवॉइस नहीं भेजना चाहती, मींस के बिल नहीं भेजना चाहती। यहाँ पे सिटी इंटर कर देना है, लास्ट पे फ़ोन नंबर इंटर करके इसको कर देना है सेव, ठीक है, ये सेव वाले बटन से। ये देखिए एड्रेस में आ गया INR, उसके बाद मैंने यहाँ से कर देना है कंटिन्यू, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू, लास्ट जो हम करते होते हैं इसकी पेमेंट कर देनी है, पे कर देना है इजी पैसा से, सिंपली उसको बिल नहीं जाएगा। यहाँ से हमने 80% पैसे पे कर देना है, 20% एज ए प्रॉफिट हमारे पास रह जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।